हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेटा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर है उनका। तो जो भी छात्र एमजेपी आरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, एमजेपी आरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, तो आपको पता है ये बरेली इसमें है। तो बरेली में जो भी स्टूडेंट, मतलब बरेली यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो शाहजहांपुर का हो, कहीं वो यूनिवर्सिटी इसका जिसके जो है, ये एमजेपी आरयू जिसकी भी यूनिवर्सिटी है उसकी बात कर रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर जो अभी एडमिशन लिया है बच्चों ने, तो उनका जनवरी में लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा, ठीक है? तो ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है बेटा, 2022 में आने वाले प्रश्न है। इन क्वेश्चनों को याद करके लगभग वही होंगे 15 से 17 के बीच में ये क्वेश्चन है टोटल। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% लाएंगे, मतलब कि ये थ्योरीज क्वेश्चन है, मतलब कि आपको थ्योरी वाइज क्वेश्चन वाले दे रखे हैं। और आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनेंगे, मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन भाई 10 या 5 क्वेश्चन बनेंगे लगभग में। इन क्वेश्चनों की हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको, या फिर हम पीडीएफ दे देंगे आपको, ठीक है? पीडीएफ बना के दे देंगे, चिंता मत करो। इनकी क्वेश्चनों की भी पीडीएफ आपको दे देंगे हम, शॉर्ट नोट्स जो हमारे हैं उन नोट्सों को हम आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्ले लिस्ट स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे या फिर हमारे एक साइट है उस साइट से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे भी आप चाहो वैसे पढ़ सकते हो, आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे। आप अपने नोट्स लेके आए हैं मार्केट से, उससे पढ़ रहे हैं तो उससे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले आयो मार्केट से नोट्स तो उस पर टिक लगा लो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना। मैं अब भी बोल रहा हूँ कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है। इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, 85% प्लस यहां से मिलेगा देखने को, कोई फेल नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं, मैं हूं यहां, सच बता रहा हूं। कोई भी दिक्कत है मुझे बता देना, ठीक है? कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता देना, सीधे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है। सच में इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन मत पढ़ना, आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा वीडियो को। देखो ये जो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वालों का है, बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर, जिसे बोलते हैं व्यावसायिक संप्रेषण। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक संप्रेषण हिंदी में इस पेपर को बोलेंगे। अब ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट आपके जो अभी पेपर होने वाला है बेटा, मेन एग्जाम फरवरी में फर्स्ट वीक में या फिर जनवरी में हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आप लेके आए उस पर टिक लगा लो। पहला क्वेश्चन है एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वालों के लिए बोल रहा हूं अभी केवल। देखो संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण क्या है इसकी परिभाषा आपको देखनी है, प्रक्रिया अर्थ उनकी बाधाएं उनके उपयोग, और संप्रेषण के जो कह सकते हैं जो मॉडला है, मॉडला को हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिमान बोल सकते हैं, प्रतिमान के बारे में देख लेना है, ठीक है? उनके प्रतिमान के बारे में। व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, जैसे कि हमने बोला बिजनेस कम्युनिकेशन इस पेपर का नाम है, तो यहाँ व्यावसायिक संप्रेषण को बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। उनके उद्देश्य क्या होते हैं, इस पेपर का उद्देश्य क्या है, जो हमने नाम रखा है इस पे बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, कि व्यावसायिक संप्रेषण इस पेपर का नाम है, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रकार क्या है, वो हमें देखने, कितने प्रकार के होते हैं व्यावसायिक संप्रेषण वो देखना है। या फिर आपसे एक प्रकार का क्वेश्चन पूछे, ये आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ना देकर आपसे सिंपली ये पूछ लेगा कि संप्रेषण एक सफल प्रबंधक की कुंजी है, ये स्पष्ट करो। तो क्वेश्चन का जो आंसर ये व्यावसायिक संप्रेषण है, वही इसका आंसर होगा कि संप्रेषण एक सफल प्रबंधक की कुंजी है, स्पष्ट करो, ये कथन दे रखा होगा, इसको कहेगा स्पष्ट करो। जो आप उद्देश्य लिखोगे, महत्व लिखोगे, प्रकार लिखोगे, वो यही इसके अंदर लिख देना, आंसर वही होगा। मैंने आपसे बोल रहा हूं क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपको लगता है कि मैं पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन लेकिन मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको बना बना के लिख देना, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। बस मेरा कहने का मतलब ये है, आपको कोई फेल नहीं करेगा, नंबर उसका मिल जाएगा, भले जहां 10 नंबर का क्वेश्चन है वहां 3 नंबर मिले आपको, लेकिन मिलेंगे जरूर जब आप लिख के आओगे। और मान लो आपने छोड़ के चले आए तो क्या मिलने वाला है, ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फालतू में चले गए ना नंबर। तो वही कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से थोड़ा तैयारी कर लो, थोड़ी पढ़ाई कर लो बेटा, मेहनत कर लो, मेहनत से ही सफलता मिलती है, ये सभी को पता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। लिखित व्यवसायिक संप्रेषण क्या होता है, उनके गुण दोष उनके महत्व के बारे में देखना है। लिखित व्यवसाय संप्रेषण उनके गुण दोष महत्व के बारे में याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाएंगे लिखित संचार क्या होता है, उनके गुण दोष सीमाएं, और एक होता है भ्रमित संचार और उनकी बाधाएं, एक होता है सांकेतिक संचार। देखो वो तीन प्रकार के आपको संचार देखने को मिलते हैं इस पेपर में, आपको मिलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे मौखिक पूछेगा या आपसे संकेतिक पूछेगा, या साथ ही साथ भ्रमित संचार भी पूछ सकता है। तो आप एक बार पढ़ लोगे तो बहुत सिंपल तरीका है, कुछ हार्ड नहीं है। मैं आपको इनके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा, चिंता मत करो, बस अभी टिक लगा लो। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, इसके सिद्धांत को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रभावी संप्रेषण उसके सिद्धांत को याद करेंगे, ठीक है। यहां बोला गया है देखो, आशाब्दिक या फिर अभाषिक भी बोलते हैं इसको, संप्रेषण के गुण दोष, और इसे एक भाषा में, दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि गैर शब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैर शब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपसे पूछ लेगा, उसके बारे में अच्छे तरीके से देख लेना कि गैर जो शब्दिक संप्रेषण होता है वो किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैहिक या फिर शारीरिक भाषा संप्रेषण, इसको याद कर लेना। दैहिक या फिर शारीरिक क्या कह सकते हैं, भाषा संप्रेषण, उसके बारे में उनके महत्व को याद कर लेना। श्रवणता कैसे कहते हैं, श्रवणता क्या होती है, इसके प्रकार उद्देश्य उनकी बाधाएं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं श्रवणता में, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इन 17 से 18 क्वेश्चन को याद करके आप समझ लो 85% लाते हो, टॉप करते हो, तो क्या है बताओ यार, क्या है, कुछ और रखा है? इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। यहां बोला गया है देखो, साक्षात्कार क्या है, उसके प्रकार उनके उद्देश्य उनके सिद्धांतों को देखना है। साक्षात्कार क्या, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, परिभाषा आपको याद करनी है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके उद्देश्य क्या है, उनके सिद्धांत क्या होते हैं, वो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो बना बना के लिखाओगे, बस यही कहना है। मतलब पढ़ के आप सब पढ़ो, जो याद हो आप अच्छे तरीके से रट लेना, उन्हें एग्जाम से पहले मैं दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको रट लेना और इनको भी पढ़ लो, ठीक है। पढ़ते रहो इन क्वेश्चनों का भी, ध्यान देते, और हम नोट्स भी आपको दे देंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले, वो भी हम आपको दे देंगे, ताकि वो वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इसको देखो, यहाँ बोला गया है लेखा सहायक के पद हेतु एक आवेदन पत्र। देखो पत्र लिखने के लिए आपसे आएगा इस पेपर में बेटा, आपसे एक आएगा कि एक प्रार्थना पत्र लिखना है किसी को, तो क्या लिखोगे, कैसे, आपसे एक आएगा कि लेखा सहायक के पद हेतु एक आवेदन पत्र लिखो, ये आपसे पूछेगा। या फिर मौखिक प्रस्तुतिकरण का आशय क्या है, और उनके सिद्धांत, उनकी प्रकृति और उन्हें प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताइए। मतलब कि मौखिक प्रस्तुतिकरण है, उनके सिद्धांत, उनकी प्रक्रिया, प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताइए, ये आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लिख, देखो यहां बोला लेखन जो कुशलता से आप क्या समझते हैं, लेखन कुशलता, इसको आप याद करेंगे। व्यावसायिक पत्र क्या होता है, देखो व्यावसायिक का मतलब क्या है, हमने कोई कारोबार खोला उसके लिए हमने कोई पत्र लिखवा रहा है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, महत्व, उनके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, वो आप यहां याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, देखो आदेश पत्र किसे कहते हैं, आदेश पत्र क्या होता है, आदेश का मतलब क्या हुआ, उनके प्रारूप, उनकी क्या है, शिकायती पत्र। देखो आदेश पत्र, हम किसी को आदेश करते हैं कि ये काम करो तुम, ठीक है, आदेश कर दिया और उसे मानना पड़ेगा, वो आदेश पत्र होता है। वो किस प्रकार से लिखा जाता है, शिकायती पत्र, आपको किसी से शिकायत है भाई कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, समझ रहे हो, तो वो शिकायती पत्र आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक, शिकायती पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वसूली पत्र, वसूली पत्र को तगादा पत्र भी कहते हैं, मतलब हमने किसी को पैसे वसूलना है, तो वसूली पत्र आप किस प्रकार से लिखेंगे, भाई मुझे पैसे इतने चाहिए, तो वसूली पत्र उसको आप उसका वर्णन करो, वसूली पत्र आप कैसे लिखोगे, कोई किसी को एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, जिसे लेटर कहते हैं, तो को किस प्रकार से लिखोगे। और ये फिर गस्ती पत्र है, गस्ती पत्र से परिपत्र भी बोलते हैं इसके। व्यावसायिक रिपोर्ट किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्यावसायिक रिपोर्ट और तैयार करने का चरण कौन कौन से होते हैं, व्यावसायिक रिपोर्ट को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लगा लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस वीडियो का, ये वाला देखो, मौखिक संप्रेषण क्या होता है, मैं ऊपर बता चुका हूं, इसको मत लिखो, मौखिक संप्रेषण शायद मैं ऊपर बता चुका हूं आपको, ठीक है, इसको मत याद करना। और देखो फैक्स प्रणाली क्या होती है, ईमेल क्या होता है, ये तो सभी जानते होंगे। टेक्स्ट मैसेज क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, टेक्स्ट मैसेज जो लिखते हैं हम लोग, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, ठीक है। पावर प्लांट जो प्रोजेक्शन होता है, इसको आप पढ़ लेना, पावर प्लांट प्रोजेक्शन को। तो ये क्वेश्चन थे, पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना इसको कोई जरूरत नहीं है, बस इतने क्वेश्चन थे, तो 2022 के एग्जाम में आपको आ रहे हैं, अभी जो इंप्रूवमेंट आपको होने वाला है उसकी बात करने वाले हैं।
कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, कोई भी दिक्कत आ रही है कहीं से कहीं तक, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा और आप इतने क्वेश्चन याद करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।